ये इनॉग्रल फंक्शन था मेंबरशिप ड्राइव का, तो आप जैसे जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ इलेक्शन के कारण यहाँ हमारा डिले हो गया। और जो मोर्चा का था वो 7 और 8 का था, तो मैं जम्मू 7 को हमने ये इनॉग्रल फंक्शन किया था, तो उसके बाद मैंने यहाँ हमारे प्रभारी साहब हैं, हमारे महामंत्री हैं, तो मैंने इनको आज का दिन रखा था कि जो आज हम यहाँ से ये जो लॉन्चिंग करेंगे, ये जो इनॉग्रल फंक्शन करेंगे मेंबरशिप ड्राइव का, तो आज यही था हमारा। तो आज हमने लोगों को बताया, सभी आए हुए थे हमारे यहाँ, तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के 10 डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट आए हुए थे, उनकी पूरी टीम्स थी, जनरल सेक्रेटरी थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, और जो हमारे स्टेट के ऑफिस बिलर थे वो सभी लोग आए हुए थे। तो उनको हमने ये टारगेट दिया है, उनको बताया है, उनको हमने हर डिस्ट्रिक्ट को 4,000 मेंबरशिप बनाने का उनको हमने एक टारगेट दिया है। कि सर अगर आप देखेंगे तो पहले से जो 14 में जो हमारी इलेक्शन जहाँ हुई थी, तो उससे बहुत ज़्यादा परसेंटेज हमारी बढ़ी है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की। तो ठीक है, कभी होता है, कुछ आप जानते हैं कि अपोजिशन वालों ने कैसे जात पात के नाम पे कैसे डिसाइसिव पॉलिसी की, उन्होंने कैसे लोगों को गुमराह किया, और उन्होंने कहा कि हम 370 वापस ले आएंगे। इन चीज़ों पे उन्होंने लोगों को गुमराह करके वोट लिया है। और आप जानते हैं कि क्या ये 370 वापस आ सकता है, ये तो अब कफर में दफन हो चुका है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब के खुद के बयान थे, देखेंगे 100 साल लग सकता है। 100 साल कहने का क्या मतलब है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये अब वापस नहीं आ सकता। 370 के नाम पे उन्होंने लोगों को गुमराह किया, उनसे वोट ली, और उसके बाद खुद ही फारूक साहब कह रहे हैं कि इसको 100 साल लग जाएंगे। तो ये एक कारण था, लोगों को गुमराह किया गया, लोगों से झूठी बातें की गई, लोगों को झूठे वादे दिए गए, तो यही एक कारण था कि लोग उनकी बातों में आ गए। देखिए सर, जो उन्होंने कहा था अपने मैनिफेस्टो में कहा था, अब वो क्या कहेंगे, क्या करेंगे। अब उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। आप जानते हैं ये रेजोल्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक तरफ फारूक साहब ये कह रहे हैं कि 100 साल लग जाएंगे, देखेंगे, तो आज ये रेजोल्यूशन पास करके ये कश्मीर के लोगों को या रियासत के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमने जो आपसे जो मैनिफेस्टो में था, जो वादे किए हैं, तो हमने ये अपनी तरफ से ये रेजोल्यूशन पास कर दिया। लेकिन होगा क्या, इनके करने से, इनके कहने से ये होगा? ये करना तो केंद्रीय सरकार ने है, वो इनको भी पता है ये हो ही नहीं सकता, लेकिन ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों के सामने ये सच्चा होने का ढोंग कर रहे हैं, भाई हमने कहा तो हमने कर दिया। आप जानते हैं कि यही जो 370 का है, ये लेके सुप्रीम कोर्ट में गए थे। अब जो देश की सबसे बड़ा अदालत है, उसने इस पर मोहर लगा दी कि ये नहीं हो सकता, तो फिर ये लोगों से झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं, इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो आप क्या समझते हैं कि ये हो सकता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक प्रक्रिया है। आज हमने ये यहाँ से ड्राइव शुरू की है, तो हमने लोगों को ये मैसेज दिया है कि आप इन लोगों की जो जात पात पे लोगों को बांटते हैं, उनकी बातों में ना आए, जो झूठे वादे करते हैं, जैसे 370 का, आप उन लोगों की बातें सुनें, उस पार्टी को देखें जिस पार्टी ने आपको हर चीज़ दी है, गरीब को मकान भी दिया है, गैस भी दिया है, मेडिसिन भी दी है, किसानों को भी दिया है, हर एक जो बुनियादी ज़रूरत है गरीब की, वो सारी की सारी बीजेपी कर रही है।
तो हम ये चाहते हैं लोगों तक आप पहुँचें, लोगों को बताएं कि अगर गरीबों के हित की कोई पार्टी है, गरीबों के लिए कोई पार्टी कुछ कर सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और ये लोग झूठे वादे करके, झूठी बातें बता के सिर्फ हुकूमत में आना चाहते हैं, हुकूमत में रहना चाहते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि लोगों तक सिर्फ जो जन कल्याणकारी नीतियां भारतीय जनता पार्टी की हैं, हर खिते में, आप मेडिकल की तरफ से ले लीजिए, किसी और तरफ से ले लीजिए, हर जगह, तो उन तक पहुँचें और वो लोगों को अवेयर करें, ताकि इन लोगों को जो जात पात पे बांटते हैं, लोगों को इनकी बातों में ना आएं, और ये हुकूमत के लिए करते हैं, इनकी बातें मत सुनें। आप उस पार्टी के साथ चलें जो गरीबों की पार्टी है, आवाम की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है।